अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने के सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो तो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो मान च हो सो। अज फिर असा एक नवी वीडियो नाल हाजिर। टूर्नामेंट शुरू हो रहा असने अपने बदाला विच ही होम ग्राउंड है सन ते बाकी सारे सन इंतजामिया ने भरा न ते टूर्नामेंट जिहड़ा ना चौधरी सिकंदर साहब ने याद विच कराई रहे हैं ते इसने भी टीमां तकरीबन 7-8 टीमां है इंशाल्लाह ते बाकी सन इंतजामिया ने भरा भी सारे तको इंशाल्लाह तुसां की बाकी असा मैच भी दसा ते चलने मैच नी तरफ करने की जरूरत है। आतिफ को अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आदल आतिफ सामने आदल बाल की टूर्नामेंट का फाइनल था लास्ट जो आदल की तरफ से पिया थोड़ी लेट हो गया था में लग रहे पहल टीम बैटिंग कर रही है दी लगी है बाल बचाए वाह आती होए बड़ी विकेट लेने का कामयाब हुआ आतिफ आदल आउट हो गए। तीसरा ओवर करेंगे सद्दाम उनके सामने मुन्नान नॉन स्ट्राइक पे है निजार बॉल की बैट्समैन ने शॉट करा 6 रन के लिए अच्छी बैटिंग मुन्नान की जानिब से। फाइनल मैच में 84 रन का टारगेट है 6 ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक प्राय 11 की तरफ से शॉट कला कैच होने का खतरा गेंद फील्डर के पास जाकर गिरी मगर कैच लेने में नाकाम शोएब शेरा आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए बैट्समैन ने बल्लेबाजी की इन्होंने माशाल्लाह जी सामने उनके मुनान बॉल की अच्छा बॉल डॉट बॉल करने में कामयाब सद्दाम थोड़े से सद्दाम इंजर्ड लग रहे हैं मगर अपने ओवर को कंप्लीट करना पड़ेगा इन्हें। सद्दाम सामने मुनान बहुत अच्छा बॉल एक और डॉट बॉल करने में कामयाब सद्दाम अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी सद्दाम को सद्दाम उनके सामने मनान जोरदार शॉट 6 रन बहुत बड़ा छक्का मनान के बल्ले से बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए मनान अगर एक साथ मनान विकेट पर मौजूद रहते तो आसानी के साथ टारगेट को चेस कर लेंगे वो। सद्दाम सामने उनके मनान बॉल की डॉट बॉल करने में कामयाब हुए सद्दाम इस तरह बहुत थोड़ा रह गए साकवर की सामने उनका करेंगे निसार लेफ्ट हैंड बैट्समैन बॉल की अच्छा बॉल जबरदस्त बॉल है डॉट बॉल करने में कामयाब हुए साकवर की 17 बॉल पर 40 रन बाकी अगर प्ले लेवल को बैट जीतना है तो अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी अंपायर का इशारा डेड बॉल साकवर की उनके सामने निसार बॉल की डॉट बॉल करने में कामयाब बहुत अच्छी बॉलिंग साकवर की तरफ से शानदार बैटिंग कारे मनान मगर सामना कारे भी निसार कोई डॉट बॉल तीन डॉट बॉल से थ्री बीट साकवर की तरफ से बॉल आ रही है जबरदस्त बॉल ओवर की आउट करने में कामयाब साकवर की लेफ्ट सामना करेंगे साकव का शॉट के लिए एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया फौजी विकेट क्रीज पर बमना डालते हुए और
के आखिरी बॉल करेंगे सामने मनान। अच्छी बॉलिंग, बॉल आवे जबरदस्त बॉल है। फिर अपील कर रहे हैं कि बैट के साथ एज हुआ या बॉल नहीं, मगर अंपायर का फैसला फील्डर रन के नो ब्लेड और उन पैर रन के ब्लेड है। बैट से टकरा कर गेंद 35 स्कोर फौजी की जानिब से। फौजी पहली बॉल मारा छक्का। मास्टर कमर और हमजा यासीन से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए, आपको चौधरी सज्जाद शादा याद कर रहे हैं। दुआ चौका जी के लिए शानदार बैटिंग फौजी की जानिब से। 10 बॉल दो बॉल एक छक्का और एक चौका, 12 बॉल ने स्कोर चेन से 35। अतीक सामने फौजी अभी तक दो बार बार 10 रन लेने में कामयाब है। वाइट बॉल, वाइट बॉल, थ्री बॉल वाइट जी। नाम साहब ने गुस्सा तो कोहली दो बॉल में जाएंगे, दो बॉल 10 बॉल 25 रन बाकी। अतीक सामना कर रहे फौजी, बॉल की शॉट गली, दो रन लेना चाहते हैं आसानी के साथ, दो रन स्कोर किए फौजी ने। अतीक अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको, जोरदार शॉट फौजी के बैट से, अच्छी फील्डिंग शोएब शेरा की तरफ से, एक रन लेने में कामयाब है बैट्समैन। आठ बॉल 22 रन बाकी, अतीक सामना करेंगे उनका मन्नान। क्लियर आउट जी, फौजी आउट। अच्छा थ्रो, रन आउट हो गए फौजी, दूसरा रन लेना चाहते थे मगर फील्डर की अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, रन आउट। 7 बॉल 21 रन चाहिए जी। नए बैट्समैन आफिस ताय जोरदार शॉट के लिए, क्या बॉल अंपायर करके चार रन के लिए, आखिरी ओवर में 17 रन बाकी। चलकियां समझो, जबरदस्त सदाम हो इस तरह मन्ना ने उठाकर पवेलियन वापस लिए। चार बॉल सदाम का, बॉल की बॉल है जबरदस्त बॉल है सदाम होए, बहुत अच्छी बॉलिंग सदाम की जानिब से। शाबाश शाबाश सलाम। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, सदाम सामना करेंगे आदिल शॉट के लिए, चल ठीक है ठीक है ठीक है, चार रन के लिए सामने ना कर रहा हूं। ये बॉल पर दो छक्के चाहिए पहले को, मैच जीत रहे हैं, दो बॉल में दो छक्के चाहिए जी, दो बॉल फाइनल चाहिए जी, ट्राई 11 था चौक 11 शॉट के लिए, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, वो क्या ड्रॉप कर दिया, आसान सा कैच था, एक बॉल 11 रन, एक बॉल 11 रन, चौक साहब 11 फाइनल मैच जीतने में कामयाब। बाउंड्री ना लगा बाउंड्री, सदाम सामना करेंगे अफस्ताय, बॉल की अवतार निशान में 6 रन, बॉल छक्का लेकिन फिर भी कामयाबी चौक से बाहर है, चौक से बाहर है, इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम बनी,
बहुत बहुत मुबारक चौक साहब टीम और उनके सपोर्टर्स को, बहुत अच्छा खेल पेश किया आपने। फाइनल विच गई सी चौक लावन ते अपरा जलावन दूसरी मरतबा लगातार लेते गया इसनी वजह से ब्रिलियंट ने बैटिंग दस या हरी चार ओवर वेल प्लेड ऑल टीम ठीक है जनाब कांग्रेचुलेशन चौक लावन बहुत खूब बहुत अच्छी बैटिंग बहुत अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी बॉलिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट फुल तैयारी के साथ आए ये टीम अच्छी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की आपने आपसे गुजारिश है कि आप नीचे तशरीफ ले आए और खुशी तौर करने पर चाचा यासीन चाचा क्रिकेट चौधरी रमीज आतफ मुगल चौधरी जफरान और आप सब के ममनून है कि आपने इस टूर्नामेंट में हमारी हौसला अफजाई की और कामयाब टूर्नामेंट नकद कराने में हम कामयाब हुए और चाचा क्रिकेट मैं आप मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद भी कहता हूँ और साथ आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। उसके बाद टूर्नामेंट इंतजामिया के साथ सुशील तावन जनाब चौधरी बांका साहब ने किया वो सुशील तावन 5000 रुपए लेने के लिए मैं असद लाला से गुजारिश करूंगा कि आप चौधरी बांका साहब से वो 5000 रुपए वसूल करें। ठीक है उसके बाद विनर टीम जितने भी खिलाड़ी हैं वो लाइन अप हो जाएं। तो सबसे पहले मैं चौधरी जफरान से गुजारिश करूंगा कि आप आगे हों और विनर टीम के खिलाड़ियों को जो है ना वो ट्रॉफियां दें। साका वर्की उसके बाद इधर शोएब शेरा इधर ही ना करो ना ये पर इधर करो इस साइड पर ही ना करो बस ठीक है ठीक है। अब मैं गुजारिश करूंगा मास्टर कमर साहब से कि आप तशरीफ ले आए। नेक्स्ट प्लेयर रकीब शाह जीशान अतीक नमान जी आप हमजा यासीन से गुजारिश है कि आप तशरीफ ले हमजा नुमान हम नेक्स्ट अजीम अजीम मनी जाओ जी अजीम अब मैं गुजारिश करूंगा वाइस गिर से कि आप आए। आता फाती अतीक अजा मिताब साहब से गुजारिश है कि आप आए। नबील सदाम बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट पूरे टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग की आपकी टीम को फाइनल विन करवाया। मैं नाम देने के लिए गुजारिश करूंगा तौकीर से क्या पाए और बेस्ट बॉलर को इनाम देना है आपने। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट साकब वर्की पूरे टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग का मुजहरा किया। साकब ने
फाइनल मैच में भी शानदार बॉलिंग की इन्होंने और अपनी टीम को मुसलसल दूसरी बार इस ग्राउंड में चैंपियन बनवाया। साका वर्की 22 गेंद की तरफ से 500 रुपए मास्टर कमर कमरी साहब की तरफ से 1000 रुपए और हमजा यासीन की तरफ से भी 1000 रुपए बेस्ट बॉलर को इनाम। अब मैं चौधरी इसरार बिल्लू साहब से गुजारिश करूंगा बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बैक टू बैक 50s सेमीफाइनल और फाइनल में और अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। बहुत अच्छे कप्तान बहुत अच्छे प्लेयर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चौधरी इस्लाम इनाम देंगे चौधरी इसरार बिल्लू। इधर शानदार बैटिंग सद्दाम की तरफ से सेमीफाइनल में राजधानी की तरफ खराब खेलते हुए 50 मुकम्मल की फिर फाइनल में अप्लाई किए खराब बैटिंग करते हुए 50 मुकम्मल की शानदार बैटिंग चौधरी सद्दाम की तरफ से रनर टीम को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा चौधरी सज्जाद शादा आपको रनर टीम एक ट्रॉफी और 2000 रुपए नक कैश रनर ऑफ टीम कैप्टन आदल फ्रॉम प्राइ। बहुत अच्छा खेल पेश किया आपने हर जीत गेम का हिस्सा होता है कोई बात नहीं नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ आए। ठीक है ठीक हो गया सारे इकट्ठे हो रहे आप हमारे पूरे टूर्नामेंट में अच्छी स्कोरिंग की वो ट्रॉफी देने के लिए जो है ना वो मैं जीशान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और चौधरी बका साहब से ट्रॉफी वसूल करें। बहुत अच्छे स्कोर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी स्कोर मैन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी विनर टीम को इनाम देने के लिए जिला जट्टा की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी बका साहब विनर टीम को एक ट्रॉफी और 5000 रुपए नकद इनाम देने के लिए विनर टीम कैप्टन अपना इनाम और ट्रॉफी विनर वसूल करने चौधरी इस्लाम बहुत अच्छे कप्तान बहुत अच्छे बैट्समैन बहुत अच्छी लीडिंग की अपनी टीम को और चैंपियन बनवाया वेल डन ऑल टीम। थोड़े नीचे करो वकलो थोड़े नीचे करो दरमियान ही ज्यादा रखो ना चौधरी इस्लाम ठीक है ना सिर्फ बैट से बल्कि पूरी टीम बॉलिंग में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया चौधरी इस्लाम ने। अब पूरी विनर टीम मेहमान सुशु के साथ ग्रुप फोटो बनवा ले डबल सिंगल होते वेल डन प्लेयर हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट भी आप इसी तरह तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। जो साहब आपसे गुजारिश है कि आप एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं हमारी तहसील दुलिया जट्टा के अंदर स्पेशली दुलिया जट्टा के अंदर खेल का एक मुकम्मल तौर पर एक मैदान होना चाहिए जिसमें हम लोग जो है ना हम सलसल अच्छे टूर्नामेंट का इनका कर सकें। इसी तरह अगर आपके स्पॉन्सर हमारे साथ रहे तो एक दिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे हम और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी टीम्स यहाँ पर आके पूरे पाकिस्तान से आकर यहाँ पर प्लेयर खेलेंगे। यह उसी सूरत में मुमकिन है जब आप एक हमें एक अच्छा ग्राउंड देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मुतालबे पर गौर व फिक्र करेंगे और इंशाल्लाह अपने नौजवानों का भरपूर साथ देंगे कि आप एक समाजी शख्सियत भी हैं और एक सियासी शख्सियत भी। तो इसलिए आपसे एक मुतबाना गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी हमें स्पोर्ट्स का एक मुकम्मल जो है ना वो ग्राउंड दिया जाए